तो दोस्तों Redmi अपनी Note लाइनअप से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है और दोस्तों अभी तक Redmi Note 10 सीरीज जो है वो ग्लोबली 200 मिलियन के फोन जो है वो सेल कर चुकी है। दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर होता है, इससे बताता है कि जो यूजर है वो Redmi Note सीरीज की जो अपकमिंग स्मार्टफोन है उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो दोस्तों Redmi की तरफ से Redmi Note 12 सीरीज जो है बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है इंडिया में, इसके लीक्स एंड रूमर्स आ चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 12 Pro के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो लीक्स एंड रूमर्स पर बेस्ड है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों इस फोन का जो डिजाइन है वो एलोमेट डिजाइन दिया गया है जो कि दिखने में काफी यूनिक लगता है, और फोन का जो डिजाइन है वो स्टाइलिश बेस होने के साथ साथ आई कैची डिजाइन देखने को मिलता है। बैक साइड पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है और वहीं पर डुअल एलईडी सपोर्ट दिया गया है। और बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की यानी डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको दोस्तों एंड्रॉइड डिस्प्ले मिलती है। इस फोन में आपको दोस्तों अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.8 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड मिलता है, तो डिस्प्ले का आपको बड़ा देखने को मिलता है और साथ ही में आपको एमोलेड स्क्रीन मिलता है, तो कलर्स ब्राइटनेस आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। फोन आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। फोन आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सपोर्ट मिल जाता है और फ्रंट और बैक पर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की कोडिंग दी गई है। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरास की, तो यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं सैमसंग का आपको लेटेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इस फोन से आप 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, साथ ही में आपको यहाँ पर OIS का सपोर्ट भी मिल सकता है। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का, इससे आप 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, साथ ही में फेस ब्यूटी एंड फोटो शॉट भी ले सकते हैं। और बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के OS परफॉर्मेंस की, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको Qualcomm की तरफ से 6GB मिलता है जो कि 5G को सपोर्ट करता है, और इसी के साथ यहाँ पर आपको फोन के अंदर लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट मिलता है। अगर आप गेम खेलते हो, ज्यादा हेवी गेम खेलते हो, तो आपका फोन हाई ग्राफिक्स वाले गेम को बिना लेवल प्रोग्राम के भी खेल सकते हैं। फोन आपको मिलने वाले का सपोर्ट मिलता है। ये फोन जो है वो 3 दिन ब्रांड में अवेलेबल है, 6GB 8GB रैम के साथ। एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है रैम का 5GB एक्सटेंड कर सकते हो। आपको